दोस्तों अभी हम मैं हूँ हरियाणा के बागपत एरिया में और यहाँ पर ये बागपत एरिया और यहाँ पर आज होने वाला है बाहुबली की फैक्ट्री का भूमि पूजन, जो लगभग आज से 1-1.5 साल के अंदर यहीं पीछे जो आपको दिख रहा है यहाँ पूरी बाहुबली की एक बहुत विशाल फैक्ट्री बनने वाली है और उसी का यहाँ पे आज भूमि पूजन है। जो पीछे आप टेंट लग रहा है दिखा है वो बाहुबली का यहाँ पर जो फैक्ट्री बनने वाली है। ये आप देख रहे हैं, अगर आपको पीछे दिख रहा है रेड कलर का वहाँ पे झंडा लग रहे हैं, वो झंडे तक यहाँ से लेकर वहाँ तक झंडे तक बाहुबली का जो फैक्ट्री का है, मतलब जो पहले फैक्ट्री थी उससे क्योंकि आपकी डिमांड ज़्यादा आ रही है, आप लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं बाहुबली के ई रिक्शा की, तो जाहिर सी बात है प्लांट भी बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए ये बड़ा प्लांट यहाँ पे बड़ी जो भूमि है वो ज़मीन है वो ली है और यहाँ पर लगभग 1-1.5 साल के अंदर बागपत के अंदर बाहुबली का पूरी फैक्ट्री खड़ी होने वाली, जिससे कि आप जितनी डिमांड करेंगे बाहुबली का, हालांकि अभी भी आपकी डिमांड पूरी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बाहुबली की डिमांड आप लोगों को समझ में आ रहा है कि बाहुबली की क्या अहमियत है ई रिक्शा की दुनिया में, तो आप डिमांड कर रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ रही है उसके ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पुरानी फैक्ट्री से एक बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे लेने का हुआ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपका काम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डिमांड को पूरा करा जा सके। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और आपको एक डिटेल में बताते हैं कि भाई दिनेश जी और जतिन जी जो यहाँ के फाउंडर हैं, जो को फाउंडर हैं, सह संस्थापक हैं, वो कैसे यहाँ का भूमि पूजन कर रहे हैं। आइए ओम मा ओम तो सर आज बाहुबली की इतनी बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये दोस्तों आप जानते हैं अमित जी को, ये यहाँ पर सेल्स हेड हैं पूरी इंडिया के, दिल्ली के जी, नेशनल सेल्स हेड है बाहुबली के। तो सर क्या लगता है कि अब डिमांड के हिसाब से फैक्ट्री बड़ी हो रही है? हाँ बिल्कुल जी, हर एक फैक्ट्री का ग्रोथ का रीज़न होता है, यहाँ भी यही रीज़न है कि पिछली वाली फैक्ट्री डिमांड के हिसाब से अब हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, तो अब यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। लोगों का जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है उस हिसाब से ये चौथी फैक्ट्री है जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं। मैं शुभम सिंह और वैसे मैं दिल्ली से बाय प्रोफेशनल एरिया से। बाहुबली के लिए क्या हो? बाहुबली के लिए मैं दिल्ली का ASM हूँ और दिल्ली। तो कैसा लग रहा है फैक्ट्री बड़ी हो रही है? आज तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है। हमने अपनी नई जो फैक्ट्री का भूमि पूजन किया है आज, 3 लाख स्क्वायर फीट में ये फैक्ट्री बनने जा रही है। आने वाले टाइम में हमारा पेंट प्लांट जो है वो भी यहीं पर होगा और पूरी फैक्ट्री मर्ज होके एक जगह पे आ जाएगी और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी जो है वो 5000 गाड़ियों की हो जाएगी। तो ये तो आज तो बहुत ही ज़्यादा 5000 गाड़ियों की, मतलब आपकी डिमांड पूरे इंडिया से जितनी भी डिमांड आएगी वो आपकी पूरी यहाँ पर हो जाएगी। दोस्तों हमारे साथ नीरज जी हैं जो बाहुबली के बागपत के चैनल पार्टनर हैं। तो सर कैसा लग रहा है बाहुबली की ग्रोथ देख के? सबसे पहले तो बाहुबली ई रिक्शा एक ऐसी ई रिक्शा कंपनी होने जा रही है जो नॉर्मल जो लोकल ई रिक्शा है उनसे ये काफ़ी बेहतर क्वालिटी है, इसमें माइलेज बहुत अच्छा है, मजबूताई बहुत अच्छी है और एक ये बहुत बड़ा अच्छा प्लांट लग रहा है। न कि एक जैसे लोकल रिक्शा बना रहे हैं लोग बाग छोटे छोटे प्लांटों में उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बाहुबली ई रिक्शा एक ऐसी ई रिक्शा बनने जा रही उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर हमारे क्षेत्र में हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। आज हमारे पूरे क्षेत्र में जितने भी गाँव हैं, निनाना, खामपुर, खेड़ा, टाना, जितने भी आस पास के गाँव हुए हैं, बहुत उत्साह है। यहाँ पे बच्चों को बहुत रोजगार मिलेगा और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज, मतलब काफ़ी खुशी है हम लोगों को। बिल्कुल दोस्तों, जो 5000 जब अभी जो सौरभ जी शुभम जी आए थे वो भी कह रहे 5000 ई रिक्शा का प्रोडक्शन यहाँ पे हो सकता है, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा, रोज़गार लोगों यहाँ के लोगों को, बागपत एक गाँव वाला एरिया, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब यहाँ के लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था अपना रोज़गार लेने, जॉब करने, अब दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा, इसी एरिया में भाई बाहुबली खुल रहा है। 1.5 से 1.5 साल के अंदर सर हमारे यहाँ पे काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ से बहालगढ़ वगैरह इधर उधर रोज़गार के लिए जाते थे, उनको ट्रेवल्स करना पड़ता था, 6-6 घंटे उनके रास्तों में गुजर जाते थे। अब हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्री आने के बाद में ना उनको बहुत सारी सुविधा हो जाएगी, इंडस्ट्री को भी वो अपने 2-4 घंटे समय ज़्यादा देंगे, तब भी वो लोग बहुत ही जल्दी अपने घर पर पहुँच जाएंगे और नज़दीक से नज़दीक रोज़गार मिलेगा। घर के पास अगर आपका कुछ फैक्ट्री खुल जाए, आपका मतलब ऑफिस भी अगर घर के पास हो तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। जी जी नहीं, ये बहुत ही अच्छा है और सभी लोगों में उत्साह है, लोग पूछ रहे हैं, लड़के हमारे क्षेत्र के 500-700 लड़के हरियाणा दाएं बाएं क्षेत्र में दिल्ली में रोजगार के लिए जाते हैं उसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ये जितने भी लड़के हैं काबिल लड़के अच्छे बच्चे हैं, लेकिन आधा समय रात को 10-10 बजे ट्रैवल करने में चला जाता है। रात को 10 बजे घर आते हैं, मॉर्निंग में 6-6 बजे निकलते हैं, 5 बजे निकलते हैं, कंपनी को समय देते हैं, लेकिन इसके लिए उनका समय भी बचेगा, उनका स्वास्थ्य भी रहेगा, ट्रैवल करने से भी बच जाएंगे और उनको रोजगार भी मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ई रिक्शा चलाने वाले को भी रोजगार मिलेगा, ई रिक्शा बनाने वाले को भी रोजगार मिलेगा, ई रिक्शा बेचने वाले को भी रोजगार मिलेगा, तो रोजगार ही रोजगार है। दोस्तों ये ईस्टमैन से हैं, ईस्टमैन लिथियम बैटरी, लेड एसिड बैटरी सब बनाते हैं, तो ईस्टमैन से हैं ये। और आप सर बताइए कि बाहुबली से अभी नई फैक्ट्री खुली है, नए मतलब नई भूमि पूजन हुआ है, पीछे आप बोर्ड भी देख रहे हैं, तो क्या आप देखते हैं आगे फ्यूचर क्या देखते हैं बाहुबली ईस्टमैन का, और बाहुबली कैसा ई रिक्शा? देखिए सबसे पहले तो मैं यही जतिन सर को और दिनेश सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। अच्छा कि मतलब उन्होंने इतनी अचीवमेंट अभी तक जो की हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाहुबली को जिस तरीके से उन्होंने प्रमोट किया है, आज हम अगर हर एरिया में देखें, हर जोन में देखें, चाहे आप बिहार, पूरे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी जोन में आप चले जाइए, उसमें नाम है बाहुबली का। हर एरिया में सिर्फ बाहुबली बाहुबली छाया हुआ है। और इतने बड़े एरिया में एक फैक्ट्री को डेवलप करना जतिन सर और दिनेश सर का एक बहुत बड़ा जो योगदान उन्होंने मतलब खड़ा जो किया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और अभी जो बैटरी जा रही है और जो नंबर 1 रिक्शा कहा जाता है बाहुबली का, जो सबसे पहले इन्होंने अपना नंबर प्लेट लाया है इंडस्ट्री में, वो भी एक तारीफ़ काबिल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी लिथियम बैटरी और इनकी नंबर 1 क्वालिटी के रिक्शा के साथ जब जुड़ जाती है तो एक और 4 चांद लग जाती है वॉट्समैन के साथ। तो दोस्तों बाहुबली रिक्शा से जुड़ने के लिए अभी के अभी नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। और इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि बाहुबली रिक्शे से जुड़ना, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वो जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। और मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली बार। धन्यवाद।